Hello everyone, and today we're gonna talk about how I made this effect from Premiere Pro. So basically ये जो effect है इसे levitating effect भी बोलते हैं, like इसमें जो भी है वो levitate हो रहा है, तो उसे मैंने Premiere Pro से कैसे create किया या फिर Premiere Pro से मैंने उसे कैसे बनाया, तो simply आज वही बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये जो effect है वो टाइमलाइन पे कुछ इस तरीके से दिखता है, लाइक अब जो रियल जो मैंने सूट किया था, जैसे एक चेयर्स है, चेयर के ऊपर लेट के सेम टाइप से कुछ इस तरीके से एक्ट किया था। देन उसके बाद किया क्या कि एक जो इमेज होती है, लाइक वो इमेज मैंने ऐसे कैप्चर करके रख ली थी ऑलरेडी, जो उसे हम बैकग्राउंड में यूज़ करेंगे, तो हम एज अ इमेज इसको बैकग्राउंड में यूज़ कर दिया। और अगर ना हो तो वीडियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका जो एक्सपोज़र होता है ना वो लॉक रहे, एक्सपोज़र में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देन सेकंड हमने किया ये कि हम करते हैं फिर उसके बाद मास्किंग, लाइक अभी आप देख सकते हैं कि नीचे चेयर्स नहीं है, बट हल्का हल्का सा जो दिख रहा है यहाँ पे वो आपको फेड टाइप का कुछ दिख रहा होगा। जब हमने मास्किंग की तो ये रहा, और कुछ इस टाइप से हमने मास्किंग करना स्टार्ट किया, एक एक पार्ट को मास्क कर देना, ऊपर से ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को, लाइक अगर इसे रिमूव करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे मास्क है, तो पूरा मास्किंग करने की। देन आप रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, एक बैकग्राउंड इमेज लेना है एंड मास्किंग करना है। मेन थिंग जो मेन आता है वो होती है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग से आप क्या कर सकते हैं, जो थोड़े से हाईलाइट्स होते हैं, हाईलाइट्स नहीं, जो थोड़े से रफनेस ही दिखती है ना, कि जैसे मास्किंग करने के बाद जो फेदर्स रहता है हल्का हल्का फेड दिखता है, तो आप उसको ना इजीली हाइड कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग से। तो कुछ इस तरीके से आपको कलर ग्रेड कर देना है। एंड अगर आपको इसकी लट्स या फिर जो भी प्रीसेट चाहिए वो अगर चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन करने के बाद, थोड़ी सी टचिंग करने के बाद, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हल्का हल्का फेड दिख रहा है, फिर भी मतलब थोड़ा तो रह जाएगा। तो इसके लिए मैंने किया क्या, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी नॉइज़ ऐड कर दी। देन अगर हम इसे इनेबल करें तो मैंने इसमें थोड़ा सा ग्लो, VR ग्लो को ऐड कर दो या फिर नॉइज़ ऐड कर दो, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे एजेस पे थोड़ा सा भी फेड होगा वो थोड़ा ग्लो के कारण हाइड हो जाएगा मेरे लिए। तो सिंपल था इस इफेक्ट को बनाना और बहुत ही ईजी था। तो कुछ इस टाइप से आप ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं Premiere Pro में।